अयोध्या के फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रेजिस्ट एसोसिएशन द्वारा सिविल लाइन स्थित स्थानीय होटल में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत एक फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रेजिस्ट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और सभी लोगों से 13 से 15 अगस्त तक घर घर व दुकानों पर तिरंगा लगाने की बात हुई और स्वतंत्रता दिवस को लेकर कैसे आज़ादी मिली उस पर चर्चा की गई और सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं केमिस्ट एंड ड्रेजिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष अभी आनंद ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को लेकर फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रेजिस्ट एसोसिएशन द्वारा 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जिले की समस्त दवा की दुकानों व उनके निवास पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा, इसलिए आज ये बैठक में सभी को ध्वज वितरण किया गया है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक फैजाबाद की समस्त ज़िले के समस्त दवाई की दुकानों पर व उनके निवास पे राष्ट्र ध्वज लगाया जाएगा, इसलिए आज सबको ध्वज वितरण यूनियन की तरफ से किया गया है, जिससे वो अपने प्रतिष्ठान और अपने निवास पे राष्ट्र ध्वज लगा सकें और राष्ट्र के प्रति अपना कर्ज थोड़ा सा उतार सकें। आपके बीच नगर विधायक, लेबर कमिश्नर और ड्रग इंस्पेक्टर, ये 3 पदाधिकारी थे शहर के और हमारे यूनियन के सारे कार्यकारिणी सदस्य और सारे पदाधिकारी। दिवस से पूर्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आह्वान किया गया है 75वें अमृत महोत्सव में कि हम लोग हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाएंगे, तो आज फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, जिसने हमेशा हर कार्यक्रम में अगुवाई की है, देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।